हेलो गाइस, मेरा नाम है आयुष और आज मैं लेके आ गया हूँ टेकोटो का एक और नया वीडियो, जिसमें आज हमारे साथ हैं नीरज अंकल। अंकल वेलकम टू चैनल। थैंक यू। एंड आज अंकल हमारे साथ अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इनके पास है मारुति अर्टिगा एंड ये 10,000 किलोमीटर चला चुके हैं एंड बहुत ही ज़्यादा छोटे टाइम स्पैन में अंकल ने 10,000 किलोमीटर कार चला ली है। तो अंकल आज आपको सारा बताने वाले हैं कि ये कार कैसी परफॉर्म करती है एंड कैसी है ये ऑल द, इसकी जो फिट फिनिश है, कंफर्ट लेवल है, वो सब कुछ अंकल को कैसे लगे वो सब अंकल आज इस वीडियो में बताएंगे। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दो एंड साथ में बेल आइकन दबा दो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अंकल मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे ये है कि ये आपने परचेज कब करी थी? अगस्त 2021 में। अगस्त 2021 का परचेज है, मतलब अभी 6 ही महीने हुए हैं। जी 6 महीने। तो अंकल की आप रनिंग देख सकते हैं कि अंकल ने 6 महीने में, पेट्रोल है ना ये? पेट्रोल, पेट्रोल कार है, सीएनजी भी नहीं है। 6 महीने में 10,000 किलोमीटर अंकल ने कार चला दिया। तो अंकल पहली बात तो 1,500 cc का ऑलमोस्ट इंजन आता है इसमें, मारुति अपना बड़ा इंजन देता है। हाँ जी। एंड 7 सीटर कार है, तो 7 सीटर कार क्यों प्लान करा? जैसा आज के टाइम पे तो लोग सबसे पहले क्रेटा के पीछे भागते हैं इस प्राइस रेंज में। पब्लिक हमारी फैमिली बड़ी है थोड़ा सा, इसलिए। हाँ, फैमिली बड़ी है तो वो थोड़ा कंफर्टेबल रहती है। कंफर्ट तो है ही, गाड़ी चलाने में भी बहुत स्मूथ है, चलाने में बड़ा आराम लगता है। तो जैसे आप इसे लंबा चलाते हैं, काफ़ी लंबी ट्रिप, खाटू श्याम जी तक लेके गए हैं। खाटू श्याम तक लेके गए आप, जो सीट पर बैठे रहते हैं एक साथ एक ही बारी में, तो बैक पेन वगैरह या फिर थाई पेन? नहीं, बहुत अच्छा लगा। एक ही दिन में हमने आना जाना करा था खाटू श्याम जी से। तो एक ही दिन में इतना कम्फर्टेबल? हाँ, एक ही दिन में। सुबह हम 5:30 बजे निकले थे और रात को 11 बजे तक आ गए थे। 11 बजे तक? हाँ, मतलब आप देख सकते हैं कि कम्फर्ट लेवल कैसा है। और अंकल की बड़ी फैमिली है, पूरी कार लोडेड होके चलती है, तो मतलब उसके बाद भी अगर सेम डे कार में आप रिटर्न आ रहे हैं तो कार काफ़ी ज़्यादा अच्छी और कंफर्टेबल है। अंकल जैसे कि आप इसमें ड्राइव करते हैं, आपके पास पहले हुंडई भी था? हाँ, है ना, मारुति नहीं, इको स्पोर्ट्स है पहले हमारे पास। पहले पास इको स्पोर्ट्स था, अच्छा, फोर्ड थी? हाँ, फोर्ड की। तो फोर्ड से मारुति में जब आप आए तो चलाने में आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगा? बहुत डिफरेंस है। फोर्ड मेरे पे अब भी है, लेकिन मज़ा इसमें आता है चलाने में, मजा इसी में आता है। अच्छा, मतलब कंफर्ट है काफी। तो रिफाइनमेंट मारुति का थोड़ा ज्यादा रहता है, इस वजह से आपको थोड़ा और बेटर फील आता है। नहीं, पहले हमारे पे वो थी, खैर इको इओन थी, इओन भी थी। हाँ, तो भाई इसमें कंफर्ट ज्यादा है। अंकल कवाड़ियां चेंज करते रहते हैं, आप देख सकते हो इको स्पोर्ट्स अभी पीछे खड़ी हुई दिख रही होगी आपको। हाइब्रिड कार है अंकल, तो आपको माइलेज कितना ही ऑफर कर देती है? 1500 का 7 सीटर। हाँ जी, वो भी पेट्रोल? हाँ जी, 1500। मतलब ये काम ना मारुति आपके लिए कर सकता है कि इतना बड़ा इंजन इतनी ज़्यादा कैपेसिटी के साथ में आपको माइलेज भी दे दे, तो वो सिर्फ आपको मारुति ही कर पाता है। अंकल लुकिंग वाइज कैसी लगती है आपको कार? अच्छी लगती है, इसलिए तो ली है। अच्छी लगती है क्योंकि लोग पता नहीं क्यों आजकल मारुति के पास से ना हट जाते हैं कि मारुति नहीं उसके सिवा। मुझे तो रेंज के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से बढ़िया गाड़ी लगी। रेंज एंड क्वालिटी के हिसाब से कार बेस्ट है। हाँ, कंफर्ट भी है, वैल्यू फॉर मनी कार है। हाँ जी। तो ये आपको ऑन रोड कितने की पड़ी होगी? 11 लाख की। तो आप 11 लाख रुपए में आप देख सकते हैं कि आपको सेल्टॉस, सोनेट, वेन्यू एंड क्रेटा ये सब आता है, बट सेल्टॉस और क्रेटा बेस मॉडल्स हैं एंड वेन्यू एंड सोनेट के आपको मिड वेरियंट्स मिल जाएंगे। वहीं मारुति आपको क्या ऑफर कर रहा है? 7 सीटर का। एक बार मैं आपको कार के अंदर लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितनी ज़्यादा स्पेसिंग इस कार में आपको प्रोवाइड करी गई है। तो उससे पहले अंकल आप हमारे व्यूअर्स को ये कार रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, लेनी चाहिए ये, बहुत अच्छी है। तो सीएनजी में या फिर हाइब्रिड में? दोनों अच्छी हैं। सीएनजी थोड़ा रेंज में भी कम पड़ जाती है, भाई पेट्रोल महंगा है तो सीएनजी ज़्यादा एवरेज देगी। तो सीएनजी आपको इकोनॉमिकल पड़ जाएगी, अगर आप अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं कि आपको सीएनजी लेनी है या फिर पेट्रोल, सिर्फ पेट्रोल हाइब्रिड लेनी है। तो एक बार अंदर चलते हैं, आपको स्पेस दिखा देता हूं कितना मिलता है। सो गाइस, यहां पे रिक्वेस्ट सेंसर हमको देखने को मिल जाता है। थोड़ा देर अगर हम डोर ओपन नहीं करते तो कार ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। अब देख सकते हैं एंट्रेंस कितना इजी है, मतलब इतना वाइड ओपनिंग हो जाती है डोर की। उसके बाद जो हमारा एंट्रेंस है वो कार में बहुत इजी टू एंटर हो जाता है। एंड कितनी सही इसमें आप देख सकते हैं सीट की जो कुशनिंग है,
साइड ग्रिपिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी साइड ग्रिपिंग्स, मारुति की जो मेरे को सीट्स है ना सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि ये जो साइड होल्डिंग्स देते हैं ना सीट में वो काफ़ी ज़्यादा सही प्रोवाइड करी जाती हैं। देन आप फिनिशिंग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वुड फिनिश देखने को मिल रही है, नीचे क्रीम में फिनिशिंग देखने को मिल रही है, थ्री टोन में आपको इंटीरियर देखने को मिल रहा है, काफ़ी सही सॉर्टेड सा इंटीरियर लगता है। एंड आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ऑल दो एनालॉग है बट काफ़ी सही यहाँ पर एनालॉग हमको, मेरे को तो पर्सनली एनालॉग ज़्यादा पसंद आता है डिजिटल से, ऑल दो मेरी गाड़ी में डिजिटल है पर कुछ कर नहीं सकते उसका, यहाँ पर एनालॉग मिल रहा है तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा है। एंड डिस्प्ले वगैरह तो आप इसमें बाहर से भी इनबिल्ट करा सकते हैं। तो ये तो फ्रंट की स्पेसिंग है, पीछे भी दिखा देता हूँ क्योंकि 7 सीटर कार में पीछे की स्पेसिंग ज़्यादा मैटर करती है। तो ये सिंगल पुश से यहाँ से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं एंड ये यहाँ से आपकी फोल्ड हो जाती है, आप इसमें एंटर कर सकते हैं। सीट्स की जो पीछे की स्पेसिंग है यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि अडल्ट्स के लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है बट बढ़िया रहता है अंकल, पीछे अडल्ट्स के लिए भी कोई इशू नहीं, तो अंकल कह रहे हैं कि अडल्ट्स भी पीछे इजी रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। और आप देख सकते हो साइड में कितना सारा स्पेस है, मतलब आपका आर्म रेस्ट के लिए कितना सही स्पेसिंग का यूज़ करा गया है कार में। एंड हेड रेस्ट आपको यहाँ पर सारे हेड रेस्ट आपके एडजस्टेबल मिल रहे हैं, हेड रेस्ट फिक्स्ड नहीं दिए हैं जिस वजह से और कंफर्टेबल रहेगी सीटिंग। एंड रिक्लाइन हो जाती है आप देख सकते हैं, इवन यहाँ पर जो मिड रो भी रिक्लाइन हो जाती है। एंड इवन पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग स्लॉट भी दे रखा है, नीचे आपको एक 12 वोल्ट चार्जिंग स्लॉट मिल जाता है। एंड ये जो मिडिल रो है, मिडिल रो भी आप देख सकते हो रिक्लाइन हो जाती है, पावर विंडोज मिल जाते हैं, ऊपर भी आप देखे तो काफी वाइड एसी वेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो जो कूलिंग का भी इशू इसमें नहीं रहता है। एंड इसमें आप देख सकते हैं सेंटर आर्मरेस्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑल दो ये अभी कवर में है। तो यहाँ खोल दो, चैन खोल लो, तो यहाँ पर आपको अंदर सेंटर आर्मरेस्ट भी देखने को मिल रहा है, वो बहुत सही है, मतलब इसे कवर आपने बहुत सही चढ़वा रखा है। खोलो चैन, तो ये आप देख सकते हो कि मिड रो में भी आपको कंफर्ट का इशू बिल्कुल नहीं होने वाला। एंड जो लैग स्पेसिंग है वो बहुत सही है, एंड जो यहाँ पर सेंटर का बम्प रहता है ना यार, ये बिल्कुल फ्लैट दिया है, तो इस वजह से जो है ना आपका पैर का जो स्पेसिंग रहती है लैग की उसमें भी इशू नहीं आएगा। यहाँ पर भी 12 वोल्ट चार्जिंग स्लॉट आपको देखने को मिल जाता है। एंड ये आपका आर्मरेस्ट जो आगे वाला है स्लाइडिंग वाला है, मतलब आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सही यहाँ पर मारुति ने आपको कार में फिट फिनिश दे रखी है, कंफर्ट दे रखा है, सब कुछ आपको 11 लाख रुपए में, इतना इससे ज़्यादा आप क्या मांगेंगे, ऑलमोस्ट सभी कुछ इस गाड़ी में आपको प्रोवाइड करा गया है मारुति ने। एक पैकेज जो रहता है ना मारुति आपको वो देती है, तो एक बार हम आपको इसका बूट स्पेस ओपन करके दिखा देते हैं कि बूट स्पेस कितना है। अरे ये अनएक्सपेक्टेड था, मतलब इसके लिए मैं भी सरप्राइज हूँ कि 7 सीटर होने के बाद भी आप देख सकते हो यहाँ पर इजीली आप डफल बैग्स या फिर अपना इवन बड़ा सूटकेस भी आप इजीली कैरी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा स्पेसिंग यहाँ पर दी गई है। एंड जब आप इन्हें फोल्ड आउट कर देते हैं तब तो स्पेसिंग कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, तो वो तो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आता है कि इनको आप अपना दोनों सीट को फोल्ड कर दें एंड उसके बाद इसका स्पेसिंग देखें। एमपीवी का यही फायदा होता है कि आप ना उसमें अपने अकॉर्डिंग जो चाहिए एरिया कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा स्पेस मिल जाता है रेयर सीट फोल्ड करने के बाद। बट उससे पहले भी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है, यहाँ पर भी आप इजी अपने डफल बैग्स एंड एक बड़ा सूटकेस भी कैरी आउट कर सकते हैं। एंड जो लाइटिंग है मैं एक बार आपको आगे इसकी फ्रंट हेडलाइट्स दिखा देता हूँ। एंड रेयर देखो आप LEDs में दिया है, यहाँ पर ये सब LED है, तो मारुति इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखता है कि LED भी देता है आपको हर एक चीज़। एंड फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर्स दे रखे हैं, तो हेडलाइट में तो मारुति कभी भी आपको इशू देता ही नहीं है। ऊपर आपको रूफ रेल मिल रही है, एंटीना मिल रहा है, सब कुछ कार में दे दिया गया है। तो अगर आप नीचे अलॉयज देखें, आप डार्क कलर के अलॉयज दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा सही लगते हैं। एंड जो है डिस्क ब्रेक है आपको फ्रंट में देखने को मिलता है, एंड रेयर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, काफ़ी सही ब्रेकिंग रहती है वैसे तो मारुति की, कोई इशू नहीं रहता। अगर आप प्लान आउट कर रहे हैं अर्टिगा को तो उसमें आपके अकॉर्डिंग वेरिएंट आप चूज आउट कर सकते हैं कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना है, आपको हाइब्रिड के साथ जाना है पेट्रोल हाइब्रिड या फिर पेट्रोल CNG के साथ, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज आउट कर सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, चलिए थैंक यू।